हेलो दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी सैडोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के लिए आज मैं लेके आया हूँ क्लास टेंथ का चैप्टर सिक्स ट्रायंगल्स। इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। इसमें पूरा सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। और इस वीडियो में आपको थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है, दोनों इसमें डिस्कस करेंगे। और सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी की क्या कंडीशंस हैं, ये पूरे डिस्कस करेंगे। और कोशिश करूंगा मैं कि इस वीडियो में 6.1 और 6.2 तक कंप्लीट करा दूं। तो अगर ये चैप्टर आपने अच्छे समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप इस क्लास टेंथ में सबसे टफ चैप्टर जो है वो यही है। तो इसको आप ढंग से देखिएगा और तभी करिए, तभी इस वीडियो को देखने बैठिएगा जब आपको पढ़ने की इच्छा हो। क्योंकि अगर मैं फिर कितना अच्छा बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि ये अच्छा नहीं, क्योंकि मन ही नहीं है ना। जब पढ़ने का मन नहीं रहेगा तब आप अगर वीडियो देखने बैठेंगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो बढ़िया, आप सामने रखिए और चैप्टर सिक्स निकालिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6.1। तो पहले मैं सिमिलरिटी समझा दूँ कि सिमिलरिटी है क्या, एक्चुअली किसके किसको सिमिलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई भी दो आपको पॉलीगन्स दे दिए गए। मान लीजिए एक सर्कल ऐसे बना है और ये एक सर्कल ऐसे बना है। तो देखिए, यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कल, तो इनकी रेडियस आपको दिख रहा है कि इनकी साइज जो है अलग अलग है, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन इनका शेप जो है एक जैसे। तो वो जो भी पॉलीगन्स हों उनके शेप सेम हो तो वो हमेशा सिमिलर होते हैं। इसी तरह से सर्कल की बात किए, इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उनका जो शेप बनेगा वो कैसे बनेगा, एक जैसे बनेगा, तो वो सिमिलर होगा। इसी तरह से स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की शेप जो होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। तो सिमिलरिटी क्या होती है कि जिनके सभी साइड और स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनकी शेप एक जैसी होती है। जिनके भी दुनिया में जितने भी पॉलीगन्स हैं, जितनी भी आकृतियां हैं, जितने भी शेप्स हैं, उन सब के अगर साइड एक, सेम एक जैसे हैं, यानी सेम एक जैसे हैं, साइज चाहे छोटी बड़ी हो चल जाएगा, सेम एक जैसे हो सब सिमिलर है। तो आपका 6.1 फर्स्ट जो एक्सरसाइज, देखिए आपको 6.1 एक्सरसाइज में फिलअप दिए हुए हैं। फिलअप में क्या करना है कि दो बताना है इसमें कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ठीक है। सर्किल जितने होते हैं सब सिमिलर होते हैं, एक जैसे ना होते हैं। इसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तीसरा क्या है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइड इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे। इसी तरह से टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर एंगल्स आर क्या, इक्वल एंड करेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एंगल इक्वल हो, करेस्पोंडिंग साइड अगर प्रोपोर्शनली हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे मैं अभी इसको बताया देता हूँ, ठीक है, अभी छोड़ना नहीं है, अभी थेल्स थ्योरम पूरा पढ़ना है। यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। देखिए दोनों की साइड सेम जो है वो अलग अलग ई एफ। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ का एंगल अगर मान लीजिए 60 डिग्री, और यहाँ का भी एंगल 60 डिग्री, यहाँ का भी एंगल 60 डिग्री, यहाँ का भी एंगल 60, ये सब 60 डिग्री। ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, ये एंगल इक्वल हो गया है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये, तो सब करेस्पॉन्डिंग हो गए, तो सब सिमिलर हो गए, ठीक है। अब साइड की बात कर लेते हैं, तो साइड मान लीजिए 3 है, ये 1.5, ठीक, ये 2 है, ठीक है, ये मान लीजिए 4 है, ये 2, ठीक, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब 3 ले लो, सब इसके 3 ले लेते हैं, 1.5 1.5 और यहाँ 3। तो देखिए इनकी साइड ए बी
अपॉन डी ई, अब देखिए, और इसी तरह बी सी अपॉन ई एफ, और इसी तरह से ए सी अपॉन डी एफ। तो अब देखिए ये क्या ए बी इक्वल टू थ्री हो गया, डी इक्वल टू वन बाई वन पॉइंट फाइव, ये हो गया थ्री अपॉन वन पॉइंट फाइव, ये थ्री अपॉन वन पॉइंट फाइव। देखिए वन जा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये टू अपॉन वन, ठीक है, टू अपॉन वन ये हुआ, इसी तरह से ये भी टू अपॉन वन, वन पॉइंट फाइव टू जा थ्री होता है, और इसी तरह से टू अपॉन वन, सभी साइड क्या हो गए, ये प्रोपोर्शनली हो गए, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी एंगल भी अगर इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शनली हो तो वो सेम जो है वो सब सिमिलर होते हैं, ये आपको जानना है, ठीक है। दूसरे नंबर में एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर के, तो आप कोई भी एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर में देखिए आपको डायग्राम बना हुआ है, साइड भी इसकी लगभग प्रोपोर्शनली है, सब प्रोपोर्शनली है, क्योंकि इधर 1.5 है उधर 3 है, इधर 1.5 है उधर 3, सब साइड प्रोपोर्शनल है, लेकिन एंगल पे गौर करिए, एंगल किसी के इक्वल नहीं, इधर 90 डिग्री है लेकिन इधर ये पैरेललोग्राम दिया है, इसका 90 डिग्री नहीं है एंगल, तो अगर एंगल इक्वल नहीं है, साइड प्रोपोर्शनली है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे, क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। उसमें रीजन क्या क्या करेंगे कि साइड्स आर प्रोपोर्शनली बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट ए सिमिलर सेम, ठीक है, तो सिमिलर नहीं हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टेल्स थ्योरम की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका थेल्स थ्योरम है, अगर टेंथ में आप हैं तो थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को आप अच्छे से, बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। दो चीज़ें हैं, मैं थेल्स थ्योरम के बारे में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको कहते हैं, या तो आप डायरेक्ट थेल्स थ्योरम करिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू, ठीक है, ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है, इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट याद नहीं तो कि ये फिलम में भी आ सकता है, अब ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, तो स्टेटमेंट इसका याद होना चाहिए। अब थ्योरम प्रूफ मैं कराए देता हूँ, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है, तो थ्योरम प्रूफ कैसे करेंगे, ए बी सी ए ट्रायंगल हो गया, अब इसमें एक दूसरी लाइन हो गई, समझिए गए आप, अगर इसको आप समझ गए तो मान लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन इसके अपने आप बन जाएंगे। ये हो गया एक लाइन, हो गई डी और ई हो गई, इसको आप चाहें तो यहीं तक करते हैं, ठीक है, डी और ई हो गए, ये जो ए बी और ए सी के जो पॉइंट है डी और ई तक को ये इंटरसेक्ट करती है, और ये जो डी पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वह यहाँ पर लिखिए थ्योरम से हम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, गिवन क्या क्या है, पहले ये लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी एंड इट इज इंटरसेक्ट सेट ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एट टू पॉइंट्स डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, क्या है रिस्पेक्टिवली, देखिए ये लाइन जो डी है ये पैरेलल है बी सी, ये दिया हुआ है कि ये पैरेलल है जिसे, इसमें दो लाइन है, देखिए ये लाइन जो है दो साइड ए बी और ए सी को डी और ई पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, बस ये देखना। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ लिखिए आप, टू प्रूफ में क्या करना है कि ये प्रोपोर्शनली हम इनकी साइड इनको इंटरसेक्ट करिए वो प्रोपोर्शनली है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू है ए ई अपॉन ई सी के, ये हमको प्रूव करना है,
अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए, पहले कंस्ट्रक्शन कर लीजिए इसमें। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही ये बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि इसको और इसको मिला देना। देखिए ये यहाँ से एक पॉइंट ऐसे ये लाइन खींचते जाइए, इसको मिलाइए, यहाँ से ऐसे इसको देखते जाइए, इसको मिलाइए, और यहाँ से इसमें इस पर परपेंडिकुलर खींचिए। ये एफ हो गया, ये बी हो गया, ये बी सी हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन बी ई एंड डी सी, ठीक है ना, सी डी एंड आल्सो एंड डी ए, और ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू डी ई। परपेंडिकुलर डी पर हमने परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करिए। प्रूफ में क्या होगा, देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ट्रायंगल लिखेंगे, या ए ई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां से करिएगा जिससे जगह हो जाए, तो यहां से लिखिएगा इन ट्रायंगल ए डी ई या ए ई डी, कुछ भी लिख सकते हैं, ए ई डी भी लिख सकते हैं। तो ए ई डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इनटू बी इनटू एच, यानी बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ए ई डी इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी या बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इनटू, देखिए बेस इनटू हाइट। देखिए इसमें जब ए डी ई डी का करेंगे तो ये बेस होगा, और ये ए डी जो होगा वो बेस होगा, और ये ई एफ जो होगी हाइट होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ई एफ हो जाएगा। और जब इसकी बात करेंगे तो 1/2, इसमें जो होगा बेस क्या होगा, बी डी होगा, हाइट यही जो है यही इसमें आएगी, यही ई एफ जो है इसके इक्वल होगी, यानी इसमें हो जाएगा बी डी इंटू ई एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई, बी बी डी ई, बी डी ई इक्वल हो जाएगा, इक्वल लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख लीजिए इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली, यहाँ से देखिए मैच हो जाएगा, इसको दूसरे रंग से लिखता हूँ, सिमिलरली यहाँ लिखिए, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, देखिए डी ई सी, डी ई सी इक्वल टू हो जाएगा इसमें ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे इसको किए हैं ए ई अपॉन ई सी, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। अब यहाँ पर लिखिएगा, देखिए एक बात और करिएगा कि ए डी ई और यहाँ पर भी ए ई डी है, दोनों सेम है, ए ई डी, ए ई डी और ए डी ई दोनों वही हैं, सेम है। और एरिया बी ई डी और सी ई डी दोनों को देखिएगा, तो एरिया ऑफ बी ई डी, बी डी ई, यहाँ पे क्या लिखूँगा, बी डी ई लिखा, बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी के इक्वल होगा, डी ई सी के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो बेस है
यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, ठीक है। तो बोथ है, यहाँ पे लिख दीजिए बोथ है सेम बेस, सेम बेस। तो जब दोनों का सेम बेस है तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी बी टी ई का एरिया जो होगा डी सी के एरिया के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिएगा जब इधर का ये एरिया लेफ्ट साइड इसके इसके लेफ्ट के इक्वल हो गया इन दोनों का एरिया, तो राइट राइट अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था, यही यहाँ से प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। तो देखिए अगर क्वेश्चन आएगा ये 5 नंबर का आएगा, तो यहाँ पर देखिए सिमिलरिटी अगर आप नहीं लिखेंगे उसको भी इसी तरह से लिखेंगे जैसे इसको लिखे हैं, तो आप क्या करेंगे देखिए आपको 5 नंबर इतने में ही मिलेंगे। 1 नंबर तो आपको डायग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। ये इवन लिखेंगे तो प्रूफ लिखेंगे तो 2 नंबर इसमें मिल गए, और प्रूफ में आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, 2 नंबर इसमें इतना मिल जाएगा, आपका 5 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सिमिलरली लिखिएगा और उसको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो ये आपके बुक में लिखा है कि बोथ हैव सेम बेस, तो दोनों का जो बेस है सेम होगा, तो इसलिए उन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो अब इसमें इसको आप हैंस प्रूफ हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले लीजिए फिर इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर एसी और ये रहने दीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैं अभी बता देता हूँ इसी को लेकर के। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि एसी इक्वल टू इतना है ना, और ये बी हो गया ए सी हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा है कि आपको दे दिया गया कि ए सी इक्वल टू आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया गया, ए डी इक्वल टू आपको 2 सेंटीमीटर दे दिया गया, और फिर ठीक है, और ए बी इक्वल टू पता नहीं, और आपको ए डी इक्वल टू दिया है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालेंगे ए बी और ए सी कैसे बनेगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ए डी अपान बी डी प्लस 1 कर दीजिए, कंपोनेंट लगाइए इसमें ए ई अपान ई सी और प्लस 1 कर, इसको पलट दीजिए पहले, क्योंकि ए डी हमको दिया हुआ, जब ए डी दिया रहेगा तब हम इसको पलट देंगे, और जब हमारे पास बी डी और ई सी दिया रहेगा तब इसको नहीं पलटेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आप पलट दीजिए दोनों को, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए डी अपान बी डी दिया हुआ है और इक्वल टू ए ई अपान ई सी दिया हुआ है, तो देखिए इसको पलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा बी डी अपान ए डी हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा ई सी अपान ए ई हो जाएगा। अब दोनों तरफ कंपोनेंटो लगाइए भाई, कंपोनेंटो ठीक है, कंपोनेंटो लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी अपान ए डी प्लस 1, इसी तरह से ई सी अपान ए ई प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा बी डी प्लस ए डी अपान क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपान क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। अब देखिए बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और ये हो गया ए डी, और इसी तरह से क्या हो गया ए सी अपान ए ई हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करके आप इसको निकाल सकते हैं, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा इसको, तो ये आपके काम का है इसलिए मैंने इसको बता दिया है।
और इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो इसको आप देखिए आज। इसके बाद कल जो है, मैं इसका बहुत बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थ्रेस थ्योरम ही पर्याप्त है एक दिन के नॉलेज के लिए, तो थ्रेस थ्योरम इसको कंप्लीट करिए, इसके बाद मैं कल कन्वर्स और एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज। आप देखिए थ्रेस थ्योरम का कन्वर्स क्या है, इसमें बुक में देखिए स्टेटमेंट उसका कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। देखिए इफ टू लाइन्स डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसमें ये दिया हुआ है कि ये लाइन इसको डिवाइड करती है, समझिए लाइन इसको सेम रेशियो में ट्रायंगल को डिवाइड करती है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, डायग्राम बनाइए। इसमें ये देखिए ऐसा है, ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी, ठीक है। तो इसमें ये एक लाइन, कौन सी लाइन है, डी ई, डी और ई एक लाइन, ठीक। अब इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आप गिवन क्या है इसको आप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्ज ऑफ थ्रेस थ्योरम का, यहाँ पर लिखिए पहले गिवन, गिवन क्या है, थ्योरम नंबर, थ्योरम कौन सा, थ्योरम नंबर 6.2 है, 6.2 गिवन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन डी ई, लाइन डी ई डिवाइड ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो, सेम रेशियो, ठीक है, इन सेम रेशियो, ऐसा लिखे सच दैट ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के, ये है। अब हमको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि देखिए डी ई लाइन जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये प्रूव करना। अब देखिए इसमें प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो जब इसमें प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन नहीं करना। इसमें आपके बुक में ये दिया हुआ है कि टेकिंग ए लाइन डी ई सच दैट एंड एज्यूमिंग दैट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एज्यूमिंग दैट, assuming that DE is not parallel to, DE is not parallel to BC, ठीक है, तो अब कोई दूसरी लाइन हो जाएगी। If DE is not parallel to BC, draw a line DE dash parallel to BC, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे if DE is not parallel to, not parallel to BC, ये आपकी बुक में है, बुक से ही मैं इसको करवा रहा हूँ। BC, draw a line DE dash parallel to BC, draw a line DE dash parallel to BC, parallel to BC, हमने मान लिया है। आप समझिए इसको, ये तो अभी लिखने के बाद हुई, अब समझिए इसको, हमने ये मान लिया है कि भाई DE पैरेलल नहीं है BC के, तो आप कोई दूसरी लाइन पैरेलल होगी BC के, तो दूसरी लाइन क्या है, यहाँ से हम ऐसी एक लाइन खींचे, या तो ऊपर साइड खींच लीजिए या तो नीचे साइड खींच लीजिए ऐसे, ठीक है, इसको एक ऐसी लाइन खींचिए, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचिए डी ई, ठीक है, और ई डैश हो, डी ई डैश हो, अब ये पैरेलल है किसके,
BC के, ठीक है ना। तो देखिए पैरेलल टू BC, तो अब देखिए इफ BC पैरेलल टू BE डैश, अब यहाँ पे देखिएगा इफ BC पैरेलल टू BE डैश देन क्या हो जाएगा, देन बाई थ्योरम, बाई थ्योरम थ्योरम, बाई अगर ये पैरेलल हो गए तो उनकी साइड जो होगी क्या होगी, बाई थ्योरम थ्योरम। अब थ्योरम थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनकी साइड जो होगी क्या होगी, प्रोपोर्शनली होंगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा AE डैश अपॉन ई डैश सी के, ठीक है, ये पहला इक्वेशन होगी। बट हमारे पास ये तभी संभव है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बट गिवेन, ठीक है, बट गिवेन गिवेन दिया हुआ क्या है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, AE अपॉन EC। तो देखिए AE डैश अपॉन E डैश EC AD अपॉन BD तो सेम है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इधर का पक्ष दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो देखिए ये क्या संभव है, AE डैश इक्वल है AE के और E डैश C इक्वल है EC के, ये क्या संभव है, ये तभी संभव है, यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, देखिए आपके बुक में भी लिखा हो, ठीक है। देखिए एडिंग बोथ साइड वन एबव वी कैन सी दैट ई एंड ई डैश, अच्छा दोनों साइड ई वन ऐड कर दीजिए, कंपोनेंट लगाइए, तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन इक्वल ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा ई ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी और इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब देखिएगा ये ए डैश प्लस ई सी इक्वल टू आ जाएगा ए सी और ये हो जाएगा ई डैश सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी, ठीक है। अब देखिए ए सी इधर ले जाइए ए ई अपॉन ई सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन या ई सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब ए सी और ए सी कैंसिल वन आ गया, ठीक। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा ई सी अपॉन ये देखिए ई डैश सी इक्वल टू वन अपॉन वन आया, यानी ई सी इक्वल हो जाएगा ई डैश सी इक्वल हो जाएगा, यानी हम जो सोचे हैं वो गलत है, ये संभव नहीं है जब एक ही लाइन में, ये तभी संभव होगा जब ये लाइन इसी पर कोइंसिडेंट होगी, ये लाइन इसी पर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, इट इज नॉट, इट विल पॉसिबल व्हेन, यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, जगह भी कम है, व्हेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन लाइन, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, लाइन व्हेन लाइन ई डैश सी लाइज ऑन ई सी, सो ई डैश सी इज कोइंसिडेंट टू, यहां से देखिएगा लाइन डी ई, ठीक है ना, डी ई डैश, यहां पर डी ई डैश जो होगा वो कोइंसिडेंट होगी, डी ई डैश विल बी, यहां पे लिखिए विल बी कोइंसिडेंट टू लाइन डी ई हो जाएगा, ठीक है, ई ई लाइन पे कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ये कहेंगे कि अवर इजिप्शियन इज राम, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखा कि सो डी ई इज पैरेलल टू, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये होगा, ये प्रूफ हो गया कि हमने जो माना था कि जब डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, लेकिन वो सही नहीं हुआ, तो डी ई पैरेलल होगा बी सी के, यही सही होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट अपने से यहाँ पर लिख लीजिएगा, जगह भी बहुत कम है। तो ये आपका थ्रेस थ्योरम का कन्वर्ज आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन दो चार तो क्वेश्चन मैं बताए देता हूँ, या तो मैं ऐसा करते हैं कि इसको क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप करिएगा, दो थ्योरम आपके हो गए, कन्वर्ज हो गया और थ्रेस थ्योरम हो गया, दोनों आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ये ध्यान रखना, इसमें डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट करना है, ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। इसको कई बच्चे क्या है, इसको कंस्ट्रक्शन में करने लगते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप देखते रहिए वीडियो पूरी, मैथ ये जो चैनल है पूरी मैथ इसमें मैं पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो मैं, कैसे पता चलेगा कि कोई देख रहा है मेरा वीडियो, वो सिर्फ सब्सक्राइबर और लाइक से ही पता चलता है कि भाई लोगों को पसंद आ रहा है, उससे मुझे एनर्जी मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।